अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुर्रम शराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मसाइल के ऊपर। आज का लोग जो है बहुत सारे मसाइल के अंदर जो है मुब्तला हैं, बहुत सारे मसाइल्स को वो फेस कर रहे हैं। तो कोई भी जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम से बचने की बजाय जो है मज़ीद उसके अंदर धंसते रहते हैं। हमें बहुत सारे लोग अक्सर यही पूछते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये हमारा मसला है और हम जो है इस मसले का सलूशन नहीं निकाल पाते। हम जो है एक्चुअल में उस मसले की वजह से जो है मज़ीद जो है परेशानी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा सलूशन नहीं मिलता। तो हम कैसे अच्छे सलूशन की तलाश कर सकते हैं, तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं मिस्टर खुर्रम शराज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। बहुत सारे लोग जो है हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी हमें कोई मसला आता है हम उस मसले का जो है सलूशन नहीं निकाल पाते, हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। कोई भी मसला हो, बच्चों का स्टडी से रिलेटेड मसला हो सकता है, ऑफिस वर्क में जो है कोई फाइल इधर उधर हो गई तो उसका सलूशन नहीं मिलता, गलत सिग्नेचर हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कैसे जो है इन मसाइल से जो है बचा जा सकता है? जी, मसाइल की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली जो आम रूटीन में देखा गया है, जो मेल होते हैं ना वो मसले के हल की तरफ जाते हैं और जो फीमेल होती हैं ना वो कोशिश करती हैं कि अवॉइड कर दे, किसी तरीके से मसला टल जाए, हम बच जाएं इस चीज़ से, या दुआ के ज़रिए, क्योंकि इमोशनली जो है वो इमोशनल स्टाइल हम कहते हैं कोपिंग स्टाइल डिफरेंट तरीका का रहे हैं इंसान, मुख्तलिफ तरह के जो स्ट्रेस हैं या मसाइल हैं उनसे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीका कार अपनाते हैं। तो फीमेल जो होती है वो ज़्यादा इबादत की तरफ रुजू करती हैं, मेल जो होते हैं वो कोशिश करते हैं या तो उसको हल करने की या उससे जान छुड़वाने की, दो ही तरीका कार होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जी अगर आप किसी भी मसले में मुब्तला हैं, चाहे वो किसी भी नौयत का हो, तो आप अगर जो आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस ट्रिक पे अमल करेंगे तो ना सिर्फ आपके मसाइल हल होंगे बल्कि उन मसाइल की वजह से जो जो चीज़ें आप खो चुके हैं वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। और सबसे पहली बात क्या है कि आपने मसाइल को देख के परेशान नहीं होना, ये वो वाला परेशान है, इमरान खान वाला नहीं है। मसाइल को देख के परेशान से मुराद ये है, परेशानी में फिर इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। आप हमने हल भी निकालना है, इसका हल किस तरह से निकालेंगे, आप चार कॉलम ड्रा कर लें, चार लाइनें लगा लें स्ट्रेट। सबसे पहली लाइन में लिखें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफाई द यानी कि मसले की शिनाख्त करें कि मसला है क्या, किस वजह से मसला हुआ है। मोस्टली अगर हम एडिक्शन के मरीजों से पूछते हैं ना कि जी आप नशा एक मसला है, आप ये मसला क्यों करते हैं, वजह क्या है, वो कहते हैं कि जी परेशानी आ गई, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, या सेक्स पर्पस के लिए, या जी उदासी की वजह से मैं करना शुरू हो गया, या लुत्फ़अंदोज़ी के लिए करना शुरू हो गया। ये क्या है, ये सारे वजूहात हैं जिस वजह से एक बंदा नशे की तरफ रागब होता है। यानी कि पहली लाइन के ऊपर आपने लिख लेना है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मसले की शिनाख्त करें कि मसला है क्या। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ नशे का ही मसला हो, कोई भी मसला हो, आप कोई भी सिचुएशन दें, उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको मैं कहूँगा कि सोचें अगर आपके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आप तीन चार बातें बताएंगे कि मेरा ख्याल शायद इस वजह, अगर सपोज एक बच्चा है वो इम्तिहान में फेल हो रहा है, उससे पूछा जाए कि जी ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सबसे पहले बात क्या करेगा कि क्योंकि पिछली मरतबा भी मैं फेल हो गया था, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी है ना मैंने फेल ही होना है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तवज्जो के साथ पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो दूसरी एक्टिविटी में ज़्यादा हो है, क्योंकि मेरे बहन भाई मुझे पढ़ने नहीं देते। अब एटलीस्ट उसने अपने जो फेल हुआ है ये एक मसला है, इसके पीछे वजूहात तो बताइए ना, हमें मसले की शिनाख्त तो बता दी है ना कि इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। अब जब उसने मसले की शिनाख्त बता दी है तो हमने दूसरी लाइन लगानी है, उसमें लिखना है हमने पॉसिबल सॉल्यूशंस, इसके मुमकिन हल क्या हैं।
अब वो बच्चा कहेगा कि जी अकेले रूम में बैठ के पढ़ना, ठीक है, जिस वक्त पढ़ना है उस वक्त मोबाइल ना हो, ये दूसरा सलूशन। तीसरा, या जैसे कि हमने एक उसका ये भी मसला था कि जी पहले फेल हो चुका, जो हो चुका उसके बारे में नहीं सोचना, ये तीन मुमकिन सलूशन हो गए। चौथा कि जो पास हो रहा है उससे हेल्प ले लें। पांचवा, कोई ट्यूट हायर कर लें। अब इन पांचों में से आपने उसे कहना है बेटा एक जो सबसे बेस्ट सलूशन है उसको थर्ड लाइन में ड्रा करो। थर्ड लाइन में लिखो कि जी बेस्ट सलूशन, बेहतरीन जो सलूशन है इन पांचों में से आपके लिए बेहतरीन कौन सा है जो आपके ज्यादा मसाइल को हल कर, हो सकता है वो सारे के सारे वजूहात को ना खत्म कर सके लेकिन तीन चार को तो करेगा ना, एटलीस्ट वो इस काबिल तो जरूर हो जाएगा ना कि उसका मसला हल हो जाए। तो वो कहेगा कि जी तन्हाई में बैठ के पढ़ना। इससे क्या मसला हल हुआ कि जो वो बच्चे या बहन भाई तंग करते थे वो रुक गए, तवज्जो नहीं दे हो रही थी कि बार बार मोबाइल को पकड़ लिए या किसी और चीज़ को, उसको अब अकेला रूम में बुक्स हैं तो वो चीज़ भी साइड पे होगी। तीसरा क्या कि जो एक जहन में आता था कि मैं पढ़ नहीं सकता, जब ये दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी तो आप पढ़ोगे भी टाइम भी दोगे, तो इसका मतलब ये तीसरी चीज़ भी उससे हल होगी। जब तीन चार चीज़ें हल हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या कि आपका पॉसिबल सलूशन जो है वो वर्क करेगा। उसको आपने फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड हमने उसके पॉसिबल सलूशन, थर्ड हमने उसका बेस्ट सलूशन निकाल लिया, फोर्थ पे हम लिख लेंगे इम्प्लीमेंटेशन। आप जो हमने बेहतरीन सलूशन निकाला है कि जी सेपरेट होकर पढ़ना है, आप उसी तरह करें घर में, सेपरेट बैठ जाएं, बच्चा पढ़ना शुरू करे घर में, उस वक्त कोई उसके पास ना आए, कोई मोबाइल फ़ोन ना हो, तवज्जो के साथ पढ़ेगा। इस पर काम करना हमने चौथे स्टेप पे आके करना शुरू कर दिया। फिफ्थ स्टेप क्या निकलेगा, कंक्लूजन आ जाएगा। जब हमारी तैयारी अच्छी होगी, हम रिजल्ट आसानी के साथ अच्छा देने के काबिल हो जाएंगे, एग्जाम अच्छे तरीके से पास करेंगे, ग्रेड्स अच्छे आएंगे, तो ये हमारा जो है वो सलूशन निकल गया। नतीजा क्या निकला कि हमारे सारे मसाइल जो थे जिसकी वजह से हम फेल हो रहे थे वो हल हो गए थे और उसकी वजह से हम पास हो गए, लिहाजा हमारा मसला जो है वो हल हो गया। डेट्स ऑल, थैंक यू सर फॉर आप, अच्छा आपने जो है नॉलेज शेयर किया। आई होप सो कि आप लोगों को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज के बारे में मालूम हो गया होगा कि आपने कैसे जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने हैं और इसके बाद जो है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने और फिर जो है आपने कैसे उन सॉल्यूशंस के ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हाँ जी, अगर आपका अपनी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड कोई मसला हो, बच्चों से रिलेटेड कोई मसला हो या घरेलू कोई मसला हो, तो आप लोग अपने मसले के हल के लिए हम दोनों में से किसी के साथ भी सेशन कॉन्डक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी इस स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, किसी वक्त भी आप हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।